क्या दोस्तों आपको पता है ई सिम कार्ड के बारे में, आखिर में ई सिम कार्ड होता क्या है, किस प्रकार वर्क करता है, आने वाले समय में हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपन, आप देख रहे हैं टेक्निकल विषय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे ई सिम कार्ड के बारे में, आखिर में ई सिम कार्ड होता है क्या। ई सिम कार्ड इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिम होता है जो कि आपके मोबाइल मदरबोर्ड में इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों इधर देखा जाए तो फिजिकल सिम जो कि आप उसे निकाल सकते हो, डाल सकते हो, जैसे कि माइक्रो सिम हो गया, नैनो सिम हो गया, जो कि नॉर्मल सिम आजकल हम सब यूज करते हैं उसे नॉर्मल सिम यानी कि उसे फिजिकल सिम कहते हैं। तो ये ई सिम कार्ड होता क्या है, जैसे कि आईफोन 10X, आईफोन 10X मैक्स, गूगल पिक्सल 3, इन सब में आपको ई सिम कार्ड का ऑप्शन दिया होता है कंपनी द्वारा। इसे अगर आपको एक्टिवेशन कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है या फिर जियो का सिम है तो आप करवा सकते हो, क्योंकि इंडिया में ये दो ही जो सर्विस प्रोवाइडर है इनके पास ये टेक्नीशियन अवेलेबल है कि इसको ई सिम कार्ड को आपको ई सिम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एयरटेल के अगर आपका नंबर हो तो आप 1-to-1 पे अपना ईमेल एड्रेस दो, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस उसको आपको सेंड कर देना है, तो उनके तरफ से एक आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल में आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उसके बाद जो आपका फिजिकल सिम डायरेक्टली आपका जो उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, तो आपका जो नंबर उसके अंदर सब फिट किया जाएगा, उसके बाद जो आपका जो फिजिकल सिम उसको आप निकाल के फेंक सकते हो या फिर साइड में कर सकते हो, तो आपका जो ई सिम कार्ड वो चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें कि ई सिम कार्ड से फायदा है या फिर नुकसान है, तो मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने कोई ई सिम कार्ड को एक्टिवेशन कर दिया, फिजिकल सिम को फेंक दिया, जैसे कि आपके मोबाइल में सिर्फ ई सिम कार्ड है, तो अगर आपका मोबाइल कभी भी डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, खो जाता है, या फिर तब उसका आपको बहुत ही परेशानी होगी, आपको जाना पड़ेगा दूसरे डिवाइस में, ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐप्स डाउनलोड करने पड़ेगा, उसके बाद आपको वो क्यूआर कोड जब दिया था उस क्यूआर कोड का आपको कॉपी करना पड़ेगा, कुछ बहुत सारा टाइम लगेगा। और अगर देखा जाए तो फिजिकल सिम तो बहुत जल्दी ख़राब होता भी नहीं है। अगर आपको फिजिकल सिम अगर आपके मोबाइल पे है तो फिजिकल सिम से आप क्या कर सकते हो, अगर आपका मोबाइल डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, डिस्प्ले ख़राब हो जाता है या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो आप उस सिम निकाल के दूसरे मोबाइल में डाल के आप उसको डिटेल निकाल सकते हो, नंबर निकाल सकते हो, बात कर सकते हो। तो ये था फिजिकल सिम और इधर था जो ई कार्ड सिम। तो ई कार्ड सिम देखा जाए तो ई कार्ड सिम में जो आपको जो वॉइस क्वालिटी मिलेगी बहुत ही बढ़िया मिलेगी और जो आपके नेट स्पीड बहुत ही बढ़िया मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे यूज़र बहुत कम है ई सिम कार्ड में। और ई सिम कार्ड में अगर आप मल्टीपल जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो, यानी कि रोमिंग पे जाके यहाँ पे रोमिंग पे चले जाइए या फिर आप दूसरे नेटवर्क में जाइए, तो वहाँ पे जो आपको ई सिम कार्ड है वो ऑटोमेटिकली आपको नेटवर्क प्रोवाइड करेगी। तो ये थी जो ई सिम कार्ड में कुछ खूबियाँ, और आने वाले समय में देखा जाए तो सभी फ़ोन में ई सिम कार्ड ही आने वाला है। तो आज अगर देखा जाए तो 2020 या फिर 2022 में देखा जाए तो ई सिम कार्ड का जो मोबाइल बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। तो पहले भी आईफोन आ चुका है, गूगल पिक्सल लैब आ चुका है, तो अब देखते हैं कौन सा फोन लेके आता है जो ई सिम कार्ड सपोर्ट करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना अपने यार दोस्तों में। तो दोस्तों आज के लिए बस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।